वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 25 अगस्त 2021 दिन सोमवार। सोमवार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि होगी। अगले दिन सुबह 8:25 तक। अभी कार्तिक माह का समय चल रहा है तो कार्तिक माह के दौरान गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इन दिनों तुलसी माता का पूजन करें, गंगा में स्नान करें, दान पुण्यों का कार्य करें, धर्म कर्म का कार्य करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इन दिनों भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सूर्योदय सुबह 5:53 और सूर्यास्त शाम 5:13। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 8:26 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे सुबह 9:49 पे। सूर्य तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृष राशि में। यह शरद ऋतु है। अयन दक्षिणायन रहेगा। योग परिध योग रात्रि 12:36 तक। करण कौलब करण शाम 7:04 तक। नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:11 तक। दिशाशूल की बात करें तो आज सोमवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व और अग्नेय दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दर्पण देखकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना गया है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल भगवान के ऊपर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है तो भगवान को 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र राम का नाम लिख करके चढ़ाए तो बड़ा ही लाभकारी होगा। बिल्वपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें तो इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा शमी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य भगवान को अर्पित करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो शिव के साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। उसमें सबसे पहले नंदी जी का पूजन करें, भगवान गणेश का पूजन करें, उसके बाद शिव के गणों का पूजन करें, उसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:11 से सुबह 11:35 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 12:58 से दोपहर 2:23 तक। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 7:18 से सुबह 8:43 तक। तो आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया मुहूर्त जो कि 7 प्रकार की होती है जिसमें से 3 अशुभ चौघड़िया और 4 शुभ चौघड़िया होती है। जैसे कि अशुभ चौघड़िया जो कि काल रोग और उद्वेग ये 3 अशुभ चौघड़िया होती है और 4 शुभ चौघड़िया जिसका कि नाम अमृत चौघड़िया शुभ चर और लाभ ये 4 प्रकार की शुभ चौघड़िया होती है। तो हम केवल जानेंगे दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। अमृत नामक चौघड़िया सुबह 5:53 से सुबह 7:18 तक। फिर शुभ नामक चौघड़िया सुबह 8:43 से सुबह 10:08 तक। उसके बाद चर नामक चौघड़िया
दोपहर 12:58 से दोपहर 2:23 तक। उसके बाद लाभ नामक शोघरिया दोपहर 2:23 से दोपहर 3:48 तक। उसके बाद अमृत नामक शोघरिया दोपहर 3:48 से शाम 5:17 तक। यह थी दिन की चौघड़िया। अब आइए जानते हैं रात्रि चौघड़िया के बारे में। चर नामक शुभ चौघड़िया जो कि शाम 5:13 से शाम 6:48 तक। उसके बाद लाभ नामक चौघड़िया रात्रि 9:58 से रात्रि 11:33 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया रात्रि 1:08 से रात्रि 4:43 तक। अमृत नामक चौघड़िया रात्रि 2:43 से रात्रि 4:18 तक। उसके बाद चर नामक चौघड़िया रात्रि 4:18 से लेकर के रात्रि 5:53 तक, यानी कि अगले दिन सुबह तक। यह थी दिन और रात्रि की चौघड़िया। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।